तो कैसा है मेरा नया स्टाइल? यार मैं बहुत दिनों से ना सोच रहा था कुछ नया लेकर आऊँ, कुछ नया लेकर आऊँ, हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कुछ ऐसा ही नया लेकर आऊँ जो कभी नहीं हुआ हो। अभी ऐसा हुआ भी होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो वीडियो बना दी। मैं चाहता तो ग्रीन स्क्रीन बना बना के अपलोड कर करके सब्सक्राइबर्स गेन कर सकता हूँ यूट्यूब में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आपसे इंटरेक्शन चाहता हूँ, मेरी आपसे बातचीत हो। जब से मैं ग्रीन स्क्रीन अपलोड करना बंद करा है, और वैसे भी ग्रीन स्क्रीन मैं इंस्टा पे अपलोड करता हूँ, इंस्टा पे देखना एक से एक प्यारी मीम और एक से एक प्यारी ग्रीन स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, तो इंस्टा पे जाके ज़रूर फॉलो करो। तो वापस आते हैं इंटरेक्शन पे। या देखो, इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, मुझे आपको जानना, आपको मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी बातचीत होती रहे, इसलिए मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ। इस बार भी कुछ नया है, ऐसा हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता नहीं हुआ हो एज़ पर माई नॉलेज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जब साइमन सीपी में आया था ना, मैं वहाँ पे गया था, लेकिन मुझे मेरी वीडियो ने मुझे रोक दिया था। मुझे जानते हो आप, तो कैमरा बॉय हो। कोई नहीं जानता किसे? यार मैं सबके लिए ग्रीन स्क्रीन बनाता हूँ, पता है तुम्हें, सभी एडिटर्स की हेल्प करता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं चाहता था कि जो मेरा इम्पोर्टेंट टाइम है उस वीडियो का टाइम मैं यहाँ पे दे दूँ, इसलिए 2 घंटे बचाने के लिए मैं वापस आया घर पे और एडिटिंग चालू कर दी थी। ये वीडियो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, ये वीडियो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैं वहाँ से बहुत जल्दी चला गया था। बस आया, आधे घंटा रुका, गया। अब अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं भी उस वीडियो में हो सकता था, लेकिन यार पब्लिक सिटी से अच्छा ना मेरे लिए ये था कि मैं ये वीडियो बना लूँ, ये वीडियो सबको मैं दे दूँ, क्योंकि ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। अब इस वीडियो में ना सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, आपको मैच्योर कैसे दिखना है। मैच्योर दिखने के लिए आपको चाहिए परफ्यूम जो आपके इन पसीनों वाली बगलों से बदबू हटा सके, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है ना अट्रैक्टिव दिखने के लिए, मैच्योर दिखने के लिए, आपको ये परफ्यूम ना पता है कहाँ पर लगाना है। इसको मैं हाथ में पकड़ के ही करूँगा, अब तू गिर के दिखा। बातें तो बहुत हो गई, लेकिन मैं आपके लिए एक छोटा सा कलेक्शन लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे बातें तो बहुत हो गई, चलो मैं अब आपके लिए एक कलेक्शन लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ देखिए, आपके लिए जो काम का है उसको यूज़ करना और मुझे क्रेडिट देना बिल्कुल मत भूलना। सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए मैं बहुत थक गया। अब देखते हैं कहाँ तक ये पहुँचती है, कहाँ तक आपका यूज़ होता है, कहाँ तक मैं देख सकता हूँ ये चीज़ आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड तक, लेकिन जाते जाते मैं एक ट्रिप, बहुत अच्छी ट्रिप दे के जाऊँगा जो कि मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर यार मुझे कोई पहले ये बता देता ना तो मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं बैक नहीं रहता, मैं कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ा आगे ही होता। तो वो टिप ये है कि जो लोग चाहते हैं ना कि YouTube में उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, YouTube में उनकी वीडियोस के व्यूज़ आएँ, तो उनके लिए टिप यही है कि आप अपने Instagram पे फोकस करो। Instagram में फॉलोअर्स गेन करना थोड़ा इजी है, उनसे बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना थोड़ा इजी है। आप Instagram में अपना कंटेंट डालो ताकि आप Instagram के फॉलोअर्स या फिर Instagram की जो ऑडियंस है ना वो YouTube पे रिडायरेक्ट कर सको, ये थोड़ा इजी वर्क है, बजाय कि YouTube में आप वीडियोस डाल रहे हो, किसी के पास वीडियो पहुंच नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ये वर्क बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है। तो मेरी टिप यही है कि आप Instagram की ऑडियंस को YouTube पे लेकर जाओ, और फिर जो YouTube की ऑडियंस है वो Instagram पे लेकर आओ, ताकि दोनों प्लेटफॉर्म को आप रीडायरेक्ट कर सको। और ये थोड़ा डिप्रेसिंग वर्क भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका ऑडियंस से इंटरेक्शन बढ़ता जाता है और ऑडियंस आपको मोटिवेट करती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेरे साथ अब हो रहा है। यार एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस वीडियो को बनाते बनाते, मैं लिटरली सोच रहा था कि कैसे बनाऊं
लेकिन अपने कंफर्ट जोन से इतना ज़्यादा उठकर आना लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था। दिखाता हूँ मैं कैसे ये मुश्किल है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मैं अपने मतलब पूरे पैर करके नहीं खड़ा हुआ, दिखाता हूँ कैसे। ये मैं अब सही खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपके लिए मुझे इतना खड़ा होना पड़ रहा है, तो इसके मारे मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मैं पसीना पहुँच पहुँच के थक गया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मेरा मीम जरूर देखना, प्रिकॉशन है, प्लीज़ हेडफोन यूज़ करना। तो यार कॉलेज में अट्रैक्टिव दिखना है, ये वीडियो पूरा देखो। तो यार देखो आप क्या कर सकते हो कि देखो बहुत कम चीज़ें होती है जो आप कॉलेज में ले जाते हो, राइट? बुक्स। Do you cock a poo poo?